सदर सांसद रवि किशन ने आज एम्स में आयोजित प्रथम संस्थान निकाय बैठक में सम्मिलित हुए। उन्होंने कोरोना वार्ड का निरीक्षण किया। सांसद रवि किशन ने एम्स के निदेशक से बात किया। उन्होंने कहा कि अगर इनके निर्माण में कोई बाधा आ रही हो तो उसे हमें बताएं, हम तत्काल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को इसके बारे में सूचित करेंगे। सांसद रवि किशन ने कहा कि एम्स निर्माण का सपना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। यह सपना गोरखपुर में एम्स का जल्द से जल्द निर्माण हो जाए, इसमें अगर कहीं भी कोई कठिनाई आती है तो सदर सांसद होने के नाते यह मेरा दायित्व बनता है कि इसकी पूरी जानकारी आप लोगों से लें, उसके बाद यशस्वी प्रधानमंत्री और पूज्य मुख्यमंत्री को इसके बारे में अवगत कराएं। सांसद रवि किशन ने L&T कंपनी के अधिकारियों को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने 2020 में एम्स निर्माण करने का वादा किया था, परंतु अभी यह वादा अधूरा लग रहा है। यह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इस पर लापरवाही कतई भी क्षम्य नहीं है। सांसद रवि किशन ने एम्स में बने कोविड वार्ड का निरीक्षण किया, उसके बाद वहाँ पर एम्बुलेंस की सुविधा मुहैया कराने के आश्वासन दिया। उन्होंने एम्स निदेशक से बात करते हुए कहा कि जल्द से जल्द यहां एम्बुलेंस की सुविधा दिलवाने का प्रयास करूंगा। इस बैठक में मुख्य रूप से बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान, सदर सांसद प्रतिनिधि समरेंद्र विक्रम सिंह, पवन दुबे, एम्स की डायरेक्टर डॉक्टर सुरेखा किशोर सहित एम्स के अधिकारीगण मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा, और ये सारी बातें अच्छी लगी, हम लोग इसको इसी तरह कैरी ऑन करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं और इसको थोड़ा सा इस पर गौर करते हैं, बिकॉज इसको एट द मोमेंट इन वेरी माय लैंग्वेज और लोकल लैंग्वेज को बड़े लावारिस तरीके से देखा जा रहा है। जितना मैं, जब से मैं यहां का सांसद हूं, आई एम बीन वॉचिंग सुरेखा जी को आने के बाद मैंने इनके दर्द को समझा, लाइक कोई सुनाई नहीं दे रहा है, नो बडी इज लिसनिंग। फिर मुझे डांटना पड़ा, मैंने प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी, हमने PM को चिट्ठी लिखी, हमने बहुत कुछ किया। अभी रिसेंटली मैंने सारी कंप्लेंट्स भी की यहाँ के कंस्ट्रक्शन को लेकर, और मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इसके बारे में जानकारी दी। तो सर लेस मैं अपनी बात यहीं रखता हूँ, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि एम्स को इस पूरे ईस्टर्न UP का एक गर्व बनाए, एक प्राइड बनाए, और हम लोग सब इससे बहुत सारे जनता को मदद दें, गरीबों को हम उनकी जान बचा पाए। थैंक यू सर। इतनी बड़ी खुशी होगी कि मैं आपको बता नहीं सकता। वही खुशी मनाने मैं स्वयं सांसद के रूप में गोरखपुर आया हूँ। जैसे प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री महाराज जी का आदेश है कि सब लोग कल दिया जलाएंगे, तो कल मैं अपने यहाँ 151 दिया अपने कार्यालय पे आवास, जहाँ मैं गोरखपुर में रहता हूँ, वहाँ जला रहा हूँ। और मैंने अपने फेसबुक के, ट्विटर के, इंस्टाग्राम के माध्यम से अपने सारे चाहने वालों को भी बोला है कि समस्त देश में कल सब लोग अपने घर में दिया जलाएं। ऐसे भगवान राम जब लौटे थे तो अयोध्या नगरी जिस तरह से पूरे एक दीपावली जैसे दीपावली मनाते हैं, जिसकी वजह से, तो कल वो फिर एक दीपावली का एक समय है, और ये 5 तारीख को हम लोग युग युग तक याद रखेंगे कि हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हम लोगों के जीवित हम लोग भगवान रामलला के कल मंदिर का कल उद्घाटन, वापस से पुनः निर्माण का उद्घाटन हो रहा है। तो मैं धन्यवाद दूंगा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे महाराज जी को, और वो 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू, और वो कई लोग जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, वो कई लाख कार सेवक हो सबको, वो सारे अखाड़ों को, सारे साधु संतों को कल मैं आज नमन करता हूँ, रवि किशन शुक्ल प्रणाम करता हूँ। ये इतना सुखद अनुभव कल होने वाला है जिसका हम लोग युग युग तक याद रखेंगे, हमारे आने वाली कई पीढ़ियाँ जीवित हो जाएगी, हमारा सनातन धर्म जीवित होगा, हमारे भगवान को दोबारा उनका स्थान मिल रहा है। इससे बड़ी खुशी की बात हुई कि भगवान राम की प्रेजेंस की, उनके मंदिर पर भगवान राम पर ही लोग सवाल उठाते थे, ये सब धर्म विरोधी लोग हैं, ये सब लोग हमेशा एक इन लोगों ने सनातन धर्म को हमेशा कटाक्ष मारा है, सनातन धर्म का अपमान किया, हिंदुत्व का अपमान किया, हिंदू धर्म का अपमान किया, हमारे भगवानों का अपमान किया। इन लोगों को कोई हक नहीं है। जब इनको पता है कि ये मंदिर कल के उद्घाटन के बाद भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, संघ की विचारधारा, प्रधानमंत्री की, पूज्य महाराज की विचारधारा पूरे विश्व में गूंजेगी, ये लोग डर गए हैं। ये लोग ये नहीं चाह रहे थे कि ये सारा कुछ हमारे प्रधानमंत्री के एजेंडे में था, ये सारी लड़ाई अडवाणी साहब से, वाजपेयी साहब से, कई लाख कार सेवकों को, और 500 साल पुरानी लड़ाई है।
ये कल पूरी होने जा रही है, तो विपक्ष एकदम धराशायी हो चुका है और अब ये मुहूर्त का एक छोटा सा नया गंदा सा फंडा लेके चल रहा है। हम ये कह रहे हैं कि 5 रफाल भी आया, 5 अगस्त को भी आया, धारा 370 भी हटा, हम खुद साक्षी थे पार्लियामेंट में, और ऐसे बहुत सारी ये 5-5 तारीखें ऐसी बहुत आएंगी और बहुत कुछ, क्योंकि कल्याण होना है। कोरोना के महामारी का भी हम गोरक्षनाथ बाबा से भी वही चरण छुए, क्योंकि इनकी तपोभूमि है कि यहाँ ये महादेव इससे बचा लें, हम लोगों को पूरे धरती को बचा लें, पूरे हिंदुस्तान को बचा लें। तो बहुत अभी बहुत शुभ दिन होगा, कल से फिर से शुभ दिन की घड़ी शुरू होगी और ये कोरोना की महामारी कल से खत्म होनी शुरू होगी।